आखिरकार हम कार्यक्रम के सबसे बहुप्रतीक्षित भाग यानी पुरस्कार समारोह में आ गए हैं। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी फ्री स्टेटस, ये वो पैमाना है जिससे किसी जिले और राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश के स्तर पर टीबी समाप्त करने की दिशा है। जो राज्य और जिले सर्वेक्षण, द्वितीय डेटा सत्यापन, दवा बिक्री में डेटा आदि का विश्लेषण शामिल है, इस एक महीने से अधिक की प्रक्रिया में राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। टीबी के मामलों में 20% कमी हासिल करने वाले राज्य व जिलों को कांस्य पदक दिया जाता है, 40% की कमी हासिल करने के लिए रजत पदक और 60% की कमी पर स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जो राज्य व जिले 80% कमी हासिल करने में सफल होते हैं, उन्हें टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस साल कांस्य पदक में 2 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और 62 जिलों को, रजत पदक से 3 राज्य अथवा 46 जिलों को और स्वर्ण पदक से 18 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस वर्ष 3 जिलों को टीबी मुक्त घोषित भी किया गया है। अब कर्नाटक राज्य से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अनिल कुमार टीके जी से मैं आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आएं एवं अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, वे कर्नाटक राज्य को रजत पदक से पुरस्कृत करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी जम्मू और कश्मीर से श्री भूपेंद्र कुमार जी, सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी से कांस्य पुरस्कार ग्रहण करें। अब मैं निम्न जिलों के प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगे, श्रीमती शिल्पा प्रभाकर सतीश, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तमिलनाडु, जिला पुलवामा जम्मू कश्मीर से श्री बसीर उल हक चौधरी जी, जिला विकास आयुक्त जिला पुलवामा, जिला अनंतनाग जम्मू कश्मीर से डॉक्टर बशारत कयूम जी, जिला विकास आयुक्त जिला अनंतनाग, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। इस वर्ष हमारे पास 300 से अधिक जिले थे जिन्हें इस सर्टिफिकेशन के लिए नामांकित किया गया था। आप सभी ने अपने राज्यों और जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के निरंतर प्रयासों की हार्दिक सराहना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने विचारों को मन की बात के माध्यम से उजागर किया है। 26 मार्च 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने